ये उन दिनों की बात है। ऐसे क्या देख रहे हो? कल जैसी ही तो लग रही हूँ, कुछ अलग थोड़ी ना है। नहीं, मैं तो बस। वैसे तुम कुछ तो अलग से लग रहे हो। मतलब? मतलब वैसे तो तुम शुरू से ही गोरे हो, पर आज कुछ ज्यादा ही। चलो ना, हम कुछ खाते हैं। हाँ हाँ चलो। वैसे आज तुम डिफरेंट लग रही हो। मुन्ना पंडित भी है यहाँ पे। अरे वाह, मुन्ना पंडित, तुम लोगों को पता है आज पता बहुत मजा आया। नैना ने सुनैना के नाम के आगे से एसयू फिर से मिटा दिया। उसकी शक्ल देखने लायक थी, रोज देखती हूँ, पता नहीं कौन मिटा देता है। क्या हुआ? कुछ अलग सी लग रही है आज तो। नहीं तो अंकल, जल्दी खाना भेजो ना। सलमान, क्या बात है, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम। अरे कभी इस अक्षय कुमार की भी तारीफ कर दिया करो। अक्षय कुमार और तुम? कितनी बार बोला है, तू दूर दूर तक अक्षय कुमार नहीं दिखता। असली तो सलमान ही है। ओए टिंडी, आज तो पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी? पार्टी किस बात की? अरे पहली बार आईब्रोज करवाई है तूने, पार्टी तो देनी पड़ेगी। अंकल आज का बिल ये पे करेगी, ठीक है? तुमने भी? मैंने नहीं तो। अगर कराई है तो क्या हुआ, छुपाने वाली क्या बात है इसमें? छुपा तो तुम रहे हो। मैं? अच्छा, क्या तुमने आईब्रोज बनाई है? नहीं तो भी अलग है। नहीं 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 तो वो तो मम्मी दही और हल्दी लगा देती हैं, इसीलिए शायद अलग। तो ये लग रहा है गोरा गोरा लग रहा है एकदम। हाँ वो गोरा है। नहीं, समीर की मामी भी तो उसको दही और हल्दी लगाती है ना समीर? आज उस दिन को याद करती हूँ तो बहुत हंसी आती है। कितनी पागल थी ना मैं। लोग अपनी ड्रेसेस शो ऑफ करते हैं, अपनी वॉच शो ऑफ करते हैं, अपनी ज्वेलरी शो ऑफ करते हैं, और मैं क्या शो ऑफ कर रही थी? अपने वैक्स्ड पैर। मगर समीर दाना की वो देख ही नहीं रहा था, पर मैंने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने वैक्स्ड पैर दिखा के ही रहूंगी। आखिर वैक्सिंग का दर्द भी तो मैंने उसी के लिए सहा था। अरे समीर प्लीज उठा दोगे? तुम कुछ खाओगी? पाओ 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 पाव भाजी। पाव भाजी? रुको सैंडविच मंगा दो। अंकल एक सैंडविच और एक कैंपर कोला भी। ओ भाई
एक गर्मी है कि आग उगल रही है। अरे बाप रे, उफ, ओहो हो, अरे बेला, कि भाभी जी, अरे शरबत का क्या हुआ? लाई, ओ मर गई, उफ, ये लीजिए भाभी जी। भाभी जी, अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, अगर इतना ही अच्छा बना है तो मुंह क्यों बना रही हैं आप? बेला, तू सच्ची में नाकल से पैदल है। अरे शरबत अच्छा है तो कोई शक्ल क्यों बनाएगा? शक्ल बना रही हूँ क्योंकि ये लड़कियों ने ना दिमाग खराब कर रखा है। इनकी चिंता कर करके तो बस, ओ भाई, ये निगोड़ा कूलर आग उगल रहा है। आपकी तरह क्या बोला? अब मैं ये कह रही थी, हाँ ये कूलर बहुत गर्मी है ना भाभी जी, दीजिए ना मैं हवा करती हूँ। पूजा जी, ताई जी, इधर आओ, आओ बैठो यहाँ। एक बात बताओ जी, तेरी ससुराल में तेरी सास तेरे साथ ठीक से बर्ताव कर रही है ना? हाँ ताई जी, बहुत अच्छे से। पता है वो तो मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती है मुझे, एकदम बेटी की तरह रखा है मुझे। हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ? मुझे समझाने की कोशिश कर रही है? दुनिया की कोई भी सास अपनी बहू को बहू ही मानती है, बेटी नहीं मानती, समझी? बेला, ये कह रही हूँ ना मैं। हाँ भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, अब इंसान की पांच उंगलियां तो एक बराबर नहीं है। अब मुझे पता है, पूजा की सास ना उसे एकदम अपनी बेटी मानती है ना बेटा? हाँ। देखिए ना, कह भी रही है वो। हाँ। तू तो बेटी की हाँ में हाँ मिलाएगी ना, तेरी बेटी जो ठहरी, लेकिन मैं नहीं मानती। सच्ची मुझे अच्छे जी से पता है कि ये ससुराल में झगड़ा करके आई है। नहीं, खा मेरे सर पे हाथ रख के कसम। एक मिनट कोई आया जी, कहिए। नमस्ते, मैं जयंती लाल, केबल वाला। केबल? वो क्या होता है? केबल टीवी। ओ भाई, ये केबल क्या बला है? हैं? नया आविष्कार, मनोरंजन का भंडार, नहीं समझे? अरे हम आपके टीवी में केबल का कनेक्शन लगाएंगे और फिर आप सारी पुरानी नई फिल्में देख सकेंगे, वो भी सिर्फ 40 रुपए महीने में। ऐसे कैसे? अरे एक फिल्म दोपहर में चलेगी और दूसरी फिल्म रात को। वाह मम्मी, ये तो सही है। वही तो। अच्छा भाई साहब, मैं क्या पूछ रही थी, वो जो शाहरुख खान वाली मूवी है ना दीवाना, वो भी आएगी? हाँ। ए दीवानी, दीवाना दीवाना बोल के दीवानापन मत दिखा। वाह। अरे भैया, ये घर बैठ के टीवी पे फिल्म देखेंगे, किसको उल्लू बना रहे हो तुम? अरे भाभी जी, मैं सही कह रहा हूँ। बेशक आप पड़ोसी है ना 304 वाले पारिक साहब, उनसे पूछ लीजिए। अरे उनके घर में मैंने ही तो केबल लगाया है। जी हाँ, केबल टीवी उन दिनों एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा धमाका, जो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में आ रहा था। तब आज की तरह चैनल्स की भरमार नहीं हुआ करती थी, ले दे के फिल्में और गाने ही आते थे बस। इसलिए केबल टीवी का ये प्रॉमिस कि बिना वीसीआर के फिल्में देख पाना मुमकिन होगा, जितना एक्साइटिंग था उतना ही अजीब भी था, क्योंकि उन दिनों कोई भी आसानी से टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन तब किसी को कहां पता था कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, टीवी का ये सफर लंबा चलने वाला है। ओ भाई, हमें नहीं लगवानी केबल वेबल, समझे? पहले ये टीवी वीसीआर ने सत्यानाश कर रखा है, अब ये एक और नई बीमारी पाल लो सर के ऊपर। चलो चलो, जाओ यहाँ से। मगर भाभी जी, भाई साहब, हम लोग ना आपस में सलाह मशवरा करके आपको बता देंगे। नमस्ते। आगे उठा के। मैं तो ना ससुराल जाते ही सबसे पहले केबल टीवी लगाऊंगी। हाँ हाँ, ससुराल जाएगी तब ना। लक्षण नहीं लग रहे तेरे मुझे।
फूड? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस सच में भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो अर्जुन, वेज है। तुम नाइजी की तरह सोचते हो कि जिसके घर नॉन वेज बनता है उसके घर का खाना नहीं खाते? अब इसमें ताईजी कहां से आ गई? तुम ये बात बात में मुझे ताईजी से कंपेयर क्यों करने लगती हो? नहीं, अगर बात ताईजी की होती फिर तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठा भी नहीं होता। बोलो अर्जुन, रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगते हो। शुरू करें। सॉरी यार। इट्स ओके अर्जुन। तुम मुझे खिला सकते हो? क्या हुआ? मैं? हाँ तुम। घबराओ मत, मैं तुम्हारी उंगलियां नहीं खाऊंगी। अर्जुन, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? गर्मी। तो गर्मी में तुम्हारे हाथ कांप रहे? ये लड़कों वाली बात है, तुम नहीं समझोगी। पानी पानी मिलेगा? अभी लेके आती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस शिव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलिदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो आंखें क्यों बंद है? वो मेरे चेहरे पे खाना लग गया? नहीं, चेहरे पे नहीं, तुम्हारी पीठ पे। तुमने मेरी पीठ को खाना कब खिलाया? कुछ भी। अरे पीठ पे वो, मेरा मतलब है कि तुम्हारी पीठ पे वो। क्या अर्जुन, साफ साफ बोलो। तुम्हारी ड्रेस की जिप खुली है। ओ गॉड, अर्जुन प्लीज मेरी आके हेल्प कर दो। तुम रुको, मैं आता हूं। इधर इधर थोड़ा आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा राइट में और थोड़ा राइट में, हाथ ऊपर। थोड़ा सा नीचे। इधर मेरी और समीर की प्रेम कहानी में एक एक रन बनाने में एक एक महीना लग रहा था, और उधर अर्जुन भैया और शेफाली की लव स्टोरी में चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी। हालांकि उन दोनों को देख के ऐसा लगता था जैसे बैलगाड़ी में कार का इंजन लगा दिया हो। समझ गए ना?
अर्जुन भैया बैलगाड़ी और शेफाली कार का इंजन। हो गई, थैंक गॉड। भैया कितना टाइम लगेगा, भूख लग रही बहुत तेज। उस दिन समीर पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। उफ, जिसके लिए वैक्सिंग कराई, दर्द सहा, मेहनत की, उस उल्लू ने, उस पगलू ने देखने की जहमत तक न की। हाय। अरे वो काम्या और फ्रॉक वाले पंडित नहीं दिख रहे हैं? काम्या तो लाइब्रेरी में। वो फ्रॉक वाली पंडित कहाँ है? वो उसका रात को फोन आया था, वो आज थोड़ा लेट आई, अंकल आंटी के साथ बाहर गई है। हाय समीर। सॉरी उस दिन के बाद तुम्हारे घर नहीं आ पाई, बट डोंट वरी लेकिन जल्दी आऊंगी। चल जाके पढ़ाई करके भाई। क्या हाल है बच्चों? अरे यार डर क्यों रहा हीरो? अरे मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था। देख रहा है प्रियंक? पहली बार शेव कराई हीरो ने। चेहरे पे एक भी कट नहीं। वाह भाई वाह। अब तू दूध पीते बच्चे से मर्द बन गया है, मर्द। अच्छे से चक्कर कार्तिक, शेव ही कराइए ना, कहीं पार्लर जाके वैक्सिंग तो नहीं करा के आया? मर्दानगी दिखने में बहुत शौक है तुम दोनों को। चल बाहर दिखाता हूँ उसने मर्द कौन है और दूध पीता बच्चा कौन। उस दिन छोड़ दिया था, आज पंगा मत लिया वरना इतना मारेंगे ना पूरी उम्र सिकाई करते रहेगा। माँ का दूध पिया ना तो हाथ लगा के दिखा। मुन्ना पंडित समीर रुको। देख लूंगा तुम लोगों को। तीनों का फोटो दे दूं फिर दिन भर बैठ के देखता रही हो? कार्तिक प्लीज चलो यहाँ से। चलो ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। सुने ना छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। जा अपनी गर्लफ्रेंड संभाल। चल 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 हट। बच गया आज वरना इतना तोड़ता माँ का सब छठी का दूधिया दिला देता। कुछ भी कहो यार समीर जब तूने उसका कॉलर पकड़ा ना। टाइट हो गई थी। चाचा जल्दी लिया खाने पीने के जो लाना, बहुत तेज भूख लग रही है। बाल बच गए तुम दोनों। हाँ मुझे तो लगा था कि सारा खाना तुम्हारे मुंह पर गिर जाएगा। अरे सारा खाना काजल निकल जाता है से। बाप रे उस दिन बाल बचे हम। वरना खुल जाता दोनों का राज लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
ना तो मेरा राज समीर पर खुला और ना ही समीर का राज मुझ पर। ये अलग बात है कि कुछ साल बाद हम दोनों ने ये बात एक दूसरे को बता दी। लेकिन उस दिन तो मैं बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान आज बचा लो, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब मजे की बात देखिए, भगवान हर बार हमें बचाता रहा और हर बार हमें एक नई हरकत सूझती रही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.